तो देखा आपने कितने क्रिस्पी क्रंची पापड़ बनकर के तैयार हुए हैं। सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करके 1 कप गेहूं के दलिये से हमने ढेर सारे पापड़ बना करके तैयार किए हैं और इन पापड़ों को बिना धूप के सुखाया है और इन्हें बनाने में ना कोई ज़्यादा मेहनत है और ना ही कोई ज़्यादा झंझट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गेहूं के दलिये का पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप दलिया लिया है। ये वही दलिया है जिसका हम वेजिटेबल दलिया बना करके खाते हैं या मीठा दलिया दूध में बना करके खाते हैं। और गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये, जिसे हम एज ए दलिया कंज्यूम करते हैं। और इसी का आज मैं पापड़ बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो सबसे पहले इस दलिया को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। दलिया को अच्छे से वॉश करके मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था और मॉर्निंग में भी इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं एक मिक्सर जार ले रही हूँ और इसमें मैं ये दलिया डाल करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी, एकदम बारीक सा। पानी हम थोड़ा ही डालेंगे, 2 बार में मैं इसको ग्राइंड करूंगी और अच्छा सा इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लूंगी। आधे दलिये को मैंने बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैं एक बोल ले रही हूँ और एक छन्नी ले रही हूँ, इसमें मैं ये जो पेस्ट हमने बनाया है इसको डाल करके अच्छे से छान लूंगी और बाकी जो बचा हुआ दलिया है उसको भी मैं इसी तरह पीस लूंगी और इसको पूरा इस तरह चम्मच से हिलाते हिलाते हमको इसको छानना है ताकि जो भी गेहूं का छिलका है, दलिया का जो छिलका है वो अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए और जो इसका आटा है वो हमें नीचे इकट्ठा मिल जाए, एकदम स्मूथ पेस्ट। बचे हुए दलिये को भी मैंने पीस लिया है अच्छे से और इसको भी मैं छान लूंगी चम्मच से हिलाते हुए। हमको पूरा बैटर छान लेना है। ये देखिए, इस बैटर को मैंने अच्छे से छान लिया है और जो दलिया का छिलका है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और जो आटा है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। ये देखिए, इस टाइप का बैटर हमें मिला है। अब इस बैटर को 1 घंटे के लिए हम ढक करके रेस्ट देंगे। रेस्ट देने से इसमें जो एक्सेस वाटर होगा वो ऊपर आ जाएगा और हमारा जो बैटर है आटे का वो बिल्कुल अच्छे से नीचे सेटल हो जाएगा, जिससे हम पापड़ बनाएंगे। इस बैटर को 1 घंटे हो चुके हैं। 1 घंटे बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें जो एक्सेस वाटर था वो सब ऊपर हो गया है और जो बैटर हमारा था वो पूरा नीचे सेटल हो गया है। अब इस एक्सेस वाटर को हम अलग कर लेंगे धीरे से। इस तरह से एक बोल लिया है मैंने, उसमें मैं धीरे धीरे ये एक्सेस वाटर जितना हम निकाल लेंगे, थोड़ा बहुत बैटर जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी नहीं बचना चाहिए। इस तरह से हम जो भी एक्सेस इसमें पानी है निकाल लेंगे। ये देखिए, इतना पानी हमारा निकल गया है, इसको हम अलग रख लेंगे। अब इस बैटर में मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच जीरा और नमक स्वाद अनुसार। नमक मैंने कम ही लिया है क्योंकि पापड़ जो होते हैं सूखने के बाद कभी कभी उनमें नमक ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए नमक की क्वांटिटी हम कम ही लेंगे। इस तरह से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और साथ में ही मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए किस तरह का हमारा बैटर है, इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप और भी कोई मसाले ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टीम प्लेट ली है, उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑयल्स के मैं ऐड कर रही हूँ और उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे पापड़ चिपके नहीं। इस तरह से अब इस प्लेट में मैं पापड़ बना रही हूँ। थोड़ा सा बैटर हम इस तरह से स्पून की हेल्प से स्प्रेड कर देंगे। जिस साइज का पापड़ आपको चाहिए उस साइज का हम बनाएंगे। यहाँ पे स्टीमर पे मैंने पानी गरम कर लिया है। अब इस प्लेट को मैं स्टीमर में रख दूंगी। 30 सेकंड में ही ये पापड़ अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। इसको ढक देंगे 30 सेकंड के लिए। ये पापड़ अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, अब हम इसको हटा लेंगे। पापड़ को मैंने स्टीमर में से निकाल लिया है, अब इसको 1 मिनट के लिए हम ठंडा होने देंगे। ये पापड़ ठंडे हो चुके हैं, अब नाइफ की हेल्प से हम इसके किनारे छुड़ा लेंगे इस तरह से और ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। इस तरह से हम चारों तरफ से इसके किनारे निकाल लेंगे और एक साइड से पकड़ करके इसको
इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, बस हल्का सा इसको पुल करना है, खींचना है, और कितने आराम से ये पापड़ हमारा निकल करके तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा पापड़ बन करके तैयार हुआ है, बिना कोई मेहनत के, बिना कोई झंझट के। और ये फैन के नीचे बहुत आराम से सूख जाएगा, फिर भी आप इसको धूप में 2-3 घंटे के लिए दिखा सकते हैं। मैं फ्लैट में रहती हूँ, मेरे यहाँ पे इतनी धूप नहीं आती, पर ये फैन के नीचे भी बहुत अच्छे सूख जाते हैं। सभी पापड़ को हम इसी तरह से निकाल लेंगे और एक प्लास्टिक शीट में रख देंगे। ये देखिए सारे पापड़ मैंने निकाल लिए हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, एकदम आराम से निकल गए हैं। इस तरह से अब मैं इसको प्लास्टिक के शीट पे रख दूंगी सूखने के लिए। कुछ मैंने पहले से बना करके यहाँ डाल रखे हैं, और अभी जो मैंने आपको दिखाया है वो मैं यहाँ पे ऐसे कर रही हूँ। जो ड्राई साइड है ऊपर वाली, उसको हम नीचे कर देंगे और नीचे वाली को ऊपर कर देंगे। इस तरह से हम थोड़े गैपिंग में सारे पापड़ रख देंगे और सारे पापड़ हम इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए, ये 1 कप गेहूं के दलिये से कितने ढेर सारे पापड़ बनकर के तैयार हुए हैं, और कोई बोल नहीं सकता ये गेहूं के दलिये के पापड़ बने हैं। बिल्कुल चावल के पापड़ जैसे ही दिख रहे हैं, और फ्राई होने के बाद और टेस्ट करेंगे जब आप इसको, तो एकदम चावल के पापड़ जैसा ही टेस्ट आएगा। और जो लोग डायबिटिक है, चावल के पापड़ नहीं खा सकते हैं, वो इसको बिना डरे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर बन करके तैयार हुए हैं। अप्रॉक्स 70 पापड़ हमारे 1 कप गेहूं के दलिये से बन करके तैयार हुए हैं। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पापड़ बनाने में, लेकिन मैंने ये ट्राई किया और रिजल्ट इतना अच्छा आया, आप भी जरूर ट्राई कीजिए इसको। ये देखिए पापड़ 2.5 से 3 घंटे में फैन के नीचे इतने सूख चुके हैं, अभी कल तक ये पूरे और अच्छे से सूख जाएंगे। और इसको मैं 1-2 घंटे के लिए धूप में भी रख दूंगी। ये देखिए कितने ढेर सारे पापड़ बन करके तैयार हुए हैं, और कितने क्रिस्पी पापड़ बन करके तैयार हुए हैं। इनकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा। इन सारे पापड़ों को मैंने फैन में ही सुखाया था और बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। देखिए अभी मैं इनको आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे बने हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया अच्छे से। अब इन पापड़ों को फ्राई करके देखते हैं कि ये कितने अच्छे बने हैं। मैं एक डाल रही हूँ उसमें, ऑयल अच्छा गर्म होना जरूरी है। देखिए कितने अच्छे पापड़ फूल गया, कितना बड़ा सा हो गया। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल चावल के पापड़ की तरह, कोई कह नहीं सकता कि ये दलिये का पापड़ बना है। ये देखिए कितने अच्छे पापड़ फ्राई होके निकले हैं हमारे, और एकदम क्रंची हैं इस तरह से, इसकी आवाज़ से आपको पता चलेगा। और एक मैं आपको क्रश करके भी दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने क्रंची पापड़ हैं ये। तो इस पापड़ को इस फेस्टिव सीजन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो देखा आपने गेहूं के आटे का पापड़ कितना क्रिस्पी और क्रंची बनकर के तैयार हुआ है, वो भी बिना किसी पापड़ खाट और सोडे के, सिर्फ एक आसान स्टेप्स में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आटे का पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप आटा लिया है, गेहूं का आटा है ये। इसको मैं एक बोल में ट्रांसफर कर लूंगी। आपको जितना पापड़ बनाना है, जिस क्वांटिटी, उस हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, इस पानी को ऐड करके हम थोड़ा थोड़ा इसका घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें ताकि इसमें लम्स ना पड़े, इस तरीके से। ये देखिए 1 कप आटे में 2 कप पानी मिला करके मैंने इस तरह का पतला घोल रेडी किया है। इसमें कोई भी लम्स नहीं है,
इस तरह का बैटर हमें चाहिए आटे का। अब इस बैटर को ढक करके 3 से 4 घंटे के लिए हमें रेस्ट देना है। 3 से 4 घंटे से ज्यादा रेस्ट हम इसे नहीं देंगे क्योंकि ये फिर काला होने लगता है। ये देखिए इस बैटर को 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे बाद जो इसमें एक्सेस वाटर था वो ऊपर आ चुका है और जो आटा था वो नीचे सेटल हो चुका है। तो एक्सेस वाटर को हम दूसरे बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा बहुत बैटर जाएगा तो कोई बात नहीं, इस तरह से ट्रांसफर कर लेंगे एक्सेस वाटर को हम इसमें। यहाँ पर मैंने एक दूसरा बोल लिया है, उसमें एक स्ट्रेनर रखेंगे और इस बैटर को हम छान लेंगे। छानना जरूरी है ताकि इसमें जो छिलके होते हैं गेहूं के, जिसे हम चोकर बोलते हैं, वो निकल जाए। चम्मच से हिलाते हुए हम इसको छान लेंगे। ये देखिए सारे बैटर को मैंने इस तरह छान लिया है और जो इसमें चोकर होता है छिलका गेहूं का, उसको अलग कर लिया है, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब मैं इस बैटर में सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है। पापड़ में सॉल्ट कम ही डालना चाहिए क्योंकि सूखने के बाद कभी कभी उसमें नमक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा ही नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इससे डायरेक्ट पापड़ बना सकते हैं, आप इसमें और भी कोई मसाले ऐड कर सकते हैं। ये गेहूं के आटे के पापड़ हैं इसलिए इनका कलर थोड़ा डार्क होता है। इसका कलर थोड़ा लाइट करने के लिए मैं इसमें 1/2 कप चावल का आटा ले रही हूँ। 1 कप गेहूं के आटे में 1/4 कप चावल का आटा डाल रहे हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल के आटे को भी मैंने गेहूं के आटे में मिक्स कर लिया है और इसका कलर थोड़ा वाइट हो गया है, तो इस तरह आप भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको मिक्स नहीं करना है चावल का आटा तो आप डायरेक्ट गेहूं के आटे से भी पापड़ बना सकते हैं, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक फ्लैट प्लेट ली है, उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से हल्का सा ऑयल लगाना है हमें, बहुत ज्यादा नहीं। अब स्पून की हेल्प से हम पापड़ को फैला लेंगे इस तरह से। जिस साइज का भी आपको पापड़ चाहिए उस साइज का हम पापड़ बना लेंगे। अभी मैं थोड़े बड़े साइज के बना रही हूँ इसलिए मैं एक ही डाल रही हूँ, नहीं तो आप एक साथ 2-3 भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से हम अपने बैटर को फैला लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी गरम कर लिया है, पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है, आप देख सकते होंगे इसमें से स्टीम भी निकल रही है। तो अब ये पापड़ वाली प्लेट हम इस पे रख देंगे, इस तरह से फ्लेम को हाई कर देंगे। देखिएगा आप ये 15 से 20 सेकंड में ही ड्राई हो जाएंगे। ये ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है साइड से, देखिए बीस सेकेंड में ही ये पूरा ड्राई हो चुका है। इसको भी हम गैस से हटा लेंगे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए पहला पापड़ था, ये प्लेट ठंडी हो चुकी है। अब नाइफ की सहायता से हम यहाँ से इसके किनारे छुड़ा लेंगे सभी साइड से, इस तरह से। और धीरे से इसको उठा करके हम खींचेंगे दोनों हाथ से, बहुत आराम से ये निकल जाएंगे। देखिए कितने आराम से निकल रहे हैं, ना फट रहे हैं ना टूट रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसको हम एक प्लास्टिक शीट पे सूखने के लिए रख देंगे और इसी तरह से हम सारे पापड़ रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो पापड़ का साइज छोटा भी रख सकते हैं, अभी मैं बड़े बड़े बना रही हूँ इस टाइप के। ये देखिए यहाँ पर प्लास्टिक शीट पर मैं पापड़ को सुखा रही हूँ। इस तरह से सारे पापड़ हम बनाते जाएंगे, सुखाते जाएंगे। ये देखिए एक दिन में ये पापड़ कितने अच्छी तरह से सूख चुके हैं। इन्हें मैंने धूप में भी रखा था तो बहुत अच्छे सूख चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। पापड़ फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए। इसमें एक पापड़ में डाल रही हूँ, तो इस तरह से प्रेस करेंगे। देखिए पापड़ कितना बड़ा हो गया साइज में। तो देखिए आपने आटे का पापड़ कितना अच्छा हमारा तैयार हुआ है।
ये देखिए पापड़ मैंने फ्राई किए हैं और ये कितने क्रंची हैं, इसकी आवाज से ही आपको पता चल रहा होगा। तो गेहूं के आटे के पापड़ इतने क्रंची भी बन सकते हैं, आप इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से ये बन रहे हैं, देखिए, और खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इतने क्यूट से और कलरफुल दिखने वाले इन फ्रेम्स को मैंने बाजार से बिल्कुल भी नहीं खरीदा है और ना ही इन्हें गैस पे घंटों पका करके मैंने बनाया है। बस आधे मिनट में ये बन करके तैयार हो जाते हैं और इसे मैंने बिना धूप के सुखाया है फैन के नीचे। आप इसकी आवाज सुनकर ही पता कर सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से सूख चुके हैं और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल मार्केट की तरह फूले फूले फ्रेम्स बन करके तैयार होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कप से एक कप गेहूं का दलिया मैंने यहाँ पे लिया है। ये वही दलिया है जिसका वेजिटेबल दलिया या मीठा दलिया बना करके हम खाते हैं। ये ब्रोकन व्हीट होती है और इसे मैंने ले करके अच्छे से धो करके ओवरनाइट सोक करके रखा था। इससे ये काफी अच्छे से फूल जाते हैं। इस दलिये में जो एक्सेस पानी है उसे हम छन्नी से छान लेंगे। अब मिक्सर जार लेंगे और उसमें इस दलिये को डाल करके बिना पानी के पीसेंगे। पानी की क्वांटिटी हमें कम ही रखनी है तो पहले बिना पानी के पीसेंगे। ये देखिए इसे बिना पानी के मैंने पीसा है तो ये काफी गाढ़ा है, तो थोड़ा सा पानी और ऐड करके मैं इसे दोबारा से पीस ले रही हूँ। अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है। अब एक बोल लेंगे, उसमें छन्नी रखेंगे, इसे छान लेंगे और जो बाकी का दलिया बचा था उसमें ज्यादा पानी डाल करके मैंने पीस लिया था उसे भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से छन जाए, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैंने पानी ज्यादा डाला था और ये चोकर जो है वो अलग हो गया है। अब इसे हटा देंगे और जो ये बैटर हमें मिला है उसे 2 से 3 घंटे के लिए ढक करके रेस्ट देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और इस बैटर में जो एक्सेस वाटर था वो ऊपर आ गया है और जो बैटर है वो नीचे सेटल हो गया है। अब इस एक्स्ट्रा पानी को हम अलग कर लेंगे, थोड़ा बहुत बैटर जाएगा तो कोई बात नहीं लेकिन पानी हमें पूरा निकाल देना है। ये बैटर काफी पतला है अभी तो इसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ नमक और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप चावल का आटा। आप चावल के आटे की जगह मैदा भी यूज कर सकते हैं, सूजी भी यूज कर सकते हैं। इस टाइप के विस्कर से इसे काफी अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो लम्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अब इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। यहाँ पे एक स्टीम प्लेट ली है मैंने, उसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। 10 मिनट के बाद भी ये बैटर पतला लग रहा था तो इसमें मैंने थोड़ा सा आटा और ऐड किया है। टोटल इस कप से 2 बार 1/4 कप मैंने आटा इसमें डाला, मतलब आधा कप आटा मैंने इसमें डाल दिया है चावल का। अब ये बैटर काफी गाढ़ा हो चुका है। अब इस बैटर को 4 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 कलर के फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो करिए नहीं तो स्किप कर दीजिए। रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर और पिंक कलर मैंने यहाँ पे लिया है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी आप इन कलर को मिक्स करें तो सभी कलर के लिए अलग अलग स्पून यूज करिए, नहीं तो ये कलर खराब होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे मैंने व्हाइट बैटर भी बचा करके रखा है। अब एक गिलास लेंगे और इस तरह की दूध की थैली सभी के घरों में आती है तो इसे मैंने धो करके सुखा लिया था, ऊपर से कट कर लिया है। अब इसे गिलास में इस तरह से फिक्स कर लेंगे और इसमें येलो बैटर पूरा मैं डाल दूंगी और ऊपर से इसे इकट्ठा करके इसमें रबर बैंड लगा लेंगे। ये हमारा कोन बन करके रेडी हो गया है। सभी कोन हम इसी तरह बना करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे कोन बना करके रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो हमने स्टीम प्लेट को ऑयल से ग्रीस किया था वो ले लेंगे और जो कोन बनाया है उसे ऊपर से थोड़ा सा कट कर लेंगे और यहाँ पे फ्रेम्स के शेप्स हम बनाएंगे। कोई भी शेप्स आप बना सकते हैं और ये काफी आराम से निकल रहा है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, कोई ज्यादा इसमें झंझट नहीं है। अब ये स्टीम प्लेट को पूरा भरने के बाद यहाँ पर कढ़ाई में मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर रखा है। प्लेट को स्टीम होने के लिए मैं इस कढ़ाई के अंदर रख रही हूँ और इसे ढक देंगे सिर्फ आधे मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद आप इसे चेक करिए, ये ऊपर से ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं और अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे।
इसी तरह हम दूसरे कोन यूज करके दूसरे कलर के फ्रेम्स भी बना करके रेडी कर लेंगे और वापस से इसे कढ़ाई में रख देंगे स्टीम होने के लिए सिर्फ आधे मिनट 30 सेकेंड के लिए। और इस प्लेट को भी स्टीम होने में आधे मिनट ही लगे हैं और इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ, इसे भी मैं ठंडा कर ले रही हूँ। अब ठंडा होने के बाद इस फ्राइम्स को हम चाकू की हेल्प से इस तरीके से निकाल लेंगे, बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बिना टूटे ये निकल जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे फ्राइम्स बन करके तैयार हुए हैं। ग्रीन कलर के फ्राइम्स को भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे नाइफ के हेल्प से। बस फ्लैट करना है नाइफ को और नीचे से लगा करके इसे निकाल लेना है। देखिए कितने कलरफुल सुंदर दिख रहे हैं ना। अब यहाँ पे प्लास्टिक शीट पे मैंने इसे रखा है सूखने के लिए। यहाँ पे घर के अंदर डाइनिंग टेबल पे ही मैंने इसे रखा है। और यहाँ पे येलो वाले भी मैंने बना करके रखे हैं फ्लावर शेप में, स्टार शेप में। और यहाँ पे वो प्लास्टिक शीट छोटी पड़ रही थी तो मैंने यहाँ पे कॉटन का टॉवल बिछाया है और उसके ऊपर इन फ्रेम्स को रखा है सूखने के लिए। एक दिन में ये काफी अच्छे से सूख जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने देखा ये काफी अच्छी तरीके से सूख चुके हैं और बहुत ही ज्यादा प्यारे और क्यूट लग रहे हैं। मेरे बच्चे तो इसे देख के इतना खुश हो गए और इससे इन्होंने काफी ज्यादा खेला भी। मैं मना कर रही थी पर वो माने नहीं। और जब मैंने फ्राई किया तो जैसे जैसे मैं इसे फ्राई कर रही थी वो तुरंत खत्म होते जा रहे थे और वो उन्हें टिफिन में भी लेके गए। बहुत अच्छे से बच्चों ने एंजॉय किया। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। चलिए इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं ये सारे कलर के, बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मैंने बहुत सारे फ्राई करके निकाल लिए हैं। ये ग्रीन कलर के फ्राइज भी कितने अच्छी तरीके से फूल रहे हैं। चलिए मैंने इतने सारे फ्राई कर लिए हैं, एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने ज्यादा क्रिस्पी हैं।